मोर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इफ यू न्यू टू माय चैनल देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो गाइस आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए ये वाला सिंपल सा इजी मेकअप ट्यूटोरियल क्रिएट किया। ये बहुत ही कम टाइम में आप इसे क्रिएट कर सकते हैं और अगर आप वीडियो देखने में इंटरेस्टेड है देन वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच करें एंड तक। या नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय गाइस, सो मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लिया था। नेक्स्ट मैं आज यूज़ कर रही हूँ इनसाइट का प्राइमर। ये 3-in-1 प्राइमर होता है जो कि आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का वाटरप्रूफ फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। ये हाई कवरेज फाउंडेशन है और थोड़ा सा लाइट शेड है, बट गाइज ये ऑक्सीडाइज होता है। सो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा अच्छा फाउंडेशन है, कम क्वांटिटी में बहुत ही अच्छा आपको कवरेज प्रोवाइड कर देता है। नेक्स्ट टाइम यूजिंग दिस स्विस ब्यूटी आईब्रो पाउडर और इसके साथ हमें जेल आईलाइनर भी मिलता है। बट गाइज सीरियसली अगर आपको आईब्रोज फिल इन करना पाउडर से पसंद है तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है और काफ़ी लॉन्ग टाइम से ये मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। सो बहुत ही अच्छा लॉन्ग टाइम तक आपको ये चल जाता है। सो आप इसे डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे इनसाइट का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। इससे अपनी आईब्रोज को अच्छी तरह से डिफाइन कर रही हूँ, मतलब आईब्रोज की एजेस को अच्छी तरह से क्लीन कर रही हूँ और ब्रश की हेल्प से मैं इस कंसीलर को ब्लेंड कर लूँगी। सो यहाँ पे मैंने कंसीलर ब्लेंड कर लिया है और कंसीलर अप्लाई करने के बाद आईब्रोज और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। सो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। और गाइस आज का जो लुक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये 5 मिनट्स में आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने फाउंडेशन के बाद कंसीलर अप्लाई नहीं किया था, अभी मैंने आईब्रोज को अच्छी तरह से क्लीन किया था। सो अभी मैंने कंसीलर अप्लाई कर लिया है अपने डार्क डार्क एरियाज पर, जैसे कि अंडर आई एरिया और जहाँ भी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है और हाइलाइटेड पॉइंट्स पर। सो गाइज यहाँ पे मैं अगेन ब्रश की हेल्प से इसे ब्लेंड कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे इनसाइड का HD लूज पाउडर लूँगी और इससे एकदम टैप टैप करके अप्लाई कर रही हूँ। अभी मैं सेटिंग के लिए पाउडर नहीं छोड़ रही हूँ, जस्ट मैंने इसे अप्लाई किया। नेक्स्ट मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी की यह पैलेट यूज़ कर रही हूँ। ये प्रो ब्लश पैलेट है और इसमें से मैंने एक कॉन्ट्यूर शेड लेकर सबसे पहले अपने फेस की कॉन्ट्यूरिंग की है। गाइज सीरियसली बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग पैलेट है, फर्स्ट टाइम मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ये पीच कलर का ब्लश लिया है और इसे मैं अप्लाई कर रही हूँ। गाइस ये थोड़ा सा शिमरी शेड है बट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। नेक्स्ट मैं यहाँ पे अपनी नोज़ कॉन्ट्यूरिंग कर रही हूँ सेम कॉन्ट्यूर कलर से और बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। बहुत ही पिगमेंटेशन भी इसकी अच्छी है, ईजीली आप इसे मतलब अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक हाइलाइटर शेड को लेकर अप्लाई कर रही हूँ और अपने फेस को फुली हाईलाइट कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ब्यूटी पीपल का काजल लेकर अप्लाई कर रही हूँ। आई मेकअप करने से पहले मैं ये चीज़ फॉलो कर रही हूँ ताकि आई मेकअप करने के बाद कुछ भी ख़राब ना हो। नेक्स्ट मैंने सेम पैलेट से एक कोरल पिंक शेड लिया है और उसे अपनी आइज़ पर अप्लाई कर रही हूँ, अपनी आइज़ पर मतलब क्रीज पार्ट पर अप्लाई कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने कलर्स को अप्लाई कर लिया है। उसके बाद मैं लोअर लैश लाइन पर भी सेम कोरल पिंक शेड को अप्लाई कर रही हूँ और इसके बाद मैंने जो ब्लश के लिए अप्लाई किया था पीच शेड उसे मैं अपनी फिंगर टिप्स की हेल्प से आइज़ के सेंटर पार्ट में अप्लाई कर रही हूँ। और गाइस सीरियसली बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था ये मेकअप लुक। और इसके बाद मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का ही मस्कारा यूज़ कर रही हूँ और इसे जस्ट मैं अप्लाई करूँगी। और काजल मैं पहले ही अप्लाई कर चुकी थी, सो यहाँ पे मैंने मस्कारा अच्छी तरह से अप्लाई कर लिया है। लास्ट में मैं यहाँ पे लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। ये एक हुडा ब्यूटी की ड्यूप लिपस्टिक है और गाइज ये ब्राउन शेड की लिपस्टिक है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है, एकदम मैट है, ये मैट फिनिश लुक आपको प्रोवाइड करती है। सो यहाँ पर मैंने लिपस्टिक अप्लाई कर लिया। एंड गाइज लास्ट में मैं अपने आइज़ के इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर रही हूँ। सो यहाँ पे मैंने अप्लाई कर लिया है हाइलाइटर और अपनी ब्रो बोन्स को भी थोड़ा थोड़ा हाईलाइट करूँगी। एंड यप गाइज यहाँ पे मेरा मेकअप लुक फिनिश हो चुका है। सो दैट्स माय फाइनल लुक गाइज। मेरा वीडियो और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने, अगर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।